आज हम लोग बनाएंगे सीताफल बासुंदी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप बाजार जैसी या मैं कहूँ उससे भी बेहतर सीताफल बासुंदी घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सीताफल का पल्प निकालेंगे। इसके लिए मैं चॉपर जार का यूज कर रही हूँ और उसमें आप इस तरीके से एक विपिंग या विस्क प्लेट आती है उसका उपयोग करें। इस तरीके से जो चॉपर की ब्लेड आती है उसका उपयोग ना करें क्योंकि ये ब्लेड नुकीली होती है, तो इससे जो बीज है वो कट हो जाएंगे और उसकी जो कड़वाहट है वो हमारे पल्प में आ जाएगी। तो इस तरीके से प्लास्टिक ब्लेड का यूज करें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी जो डो नीडिंग की ब्लेड आती है जो प्लास्टिक की है, या आपके पास कोई और इक्विपमेंट है जिसकी इस तरीके से प्लास्टिक ब्लेड है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब सीताफल को दो हिस्सों में बांट लें और उसके बाद एक चम्मच की मदद से इस तरीके से उसका जो सारा पल्प है वो बीज के साथ आप डायरेक्टली आपकी जो भी चॉपर या फूड प्रोसेसर की जार है उसमें ले लें। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप बैचेस में कर सकते हैं, जैसे मैं इस समय पहले एक कस्टर्ड एप्पल का कर रही हूँ, बाकी के कस्टर्ड एप्पल का मैं बाद में करूंगी। और इस तरीके से मैंने उसका कवर लगा दिया है और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। इसको हमें ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनटों के लिए और जैसे जैसे मैं ब्लेंड करती जाऊंगी आप नोटिस करेंगे कि इसके जो सीड्स है और पल्प है वो सेपरेट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें काले काले बीज दिखने लगे हैं, यानी कि अब ये रेडी है। मैंने टोटल करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको विस्क किया है या तो मैंने इसको चलाया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पल्प निकल आया है और आप ये जो ब्लेड है उसको इस तरीके से रिमूव कर लें। और अब ये जो पल्प हमारा निकला है उसको हम एक स्ट्रेनर में ले लेंगे। उसके लिए आप इस तरीके से एक बड़ा बोल लें और उसके ऊपर बड़ी सी स्ट्रेनर रखें और उसमें आप ये पूरा जो पल्प हमने बनाया है वो आप डाल लें। अब आप या तो इस समय किसी विस्क का यूज कर सकते हैं या किसी बड़े चम्मच का या इस तरीके से स्पून का, और उसके बैक ऑफ द स्पून से या स्पैचुला से आप इस तरीके से प्रेस करते जाएं या मैश करते जाएं। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि नीचे बोल में स्मूथ पल्प कलेक्ट हो रहा है और ऊपर सारे जो बीज है वो अलग आपको दिखने लगेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मैश कर रही हूँ आसानी से सारे जो बीज है वो क्लियरली विजिबल है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करें कि सारे जो बीज है वो आपको दिख रहे हैं, तो आप वैसे वैसे उन बीज को चम्मच की मदद से लेते जाएं और उसे साइड में निकालते जाएं। तो इस तरीके से मैं सारे बीज को कलेक्ट कर रही हूँ और निकालती जा रही हूँ। क्योंकि इसके बीज बड़े होते हैं तो वो आसानी से विजिबल होते हैं, कभी कभी इसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं तो वो भी आपको इसमें आसानी से दिख जाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पल्प रेडी है। आप चाहे तो दोनों पल्प्स को सेपरेटली भी रख सकते हैं। मैं इस समय जो मेरा स्मूथ पल्प है उसके साथ ही मैं जो ये मेरा थोड़ा सा पल्पी जो एक मुझे मिला है मिक्सचर वो भी मैं साथ ही में उसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक सीताफल से मुझे इतना पल्प मिला है और ये रेडी है। इसी तरीके से मैं दूसरे सारे सीताफल का पल्प निकाल के रेडी कर लूंगी और उसको साथ में मिला लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारा पल्प मैंने निकाल कर रेडी कर लिया है। अब हम बासुंदी बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहला टिप है कि आप एक मोटे तले का बर्तन ले लें जिसमें आप बासुंदी बनाने वाले हैं और उसमें इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा लें और बर्तन को चारों ओर से यानी कि बेस में और चारों ओर से अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। और दूसरा टिप ये है कि आप मोटे तले वाला बर्तन ही यूज करें। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर फुल फैट दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं लेकिन ये एक सीक्रेट टिप है जिससे आप बाजार जैसी बासुंदी बना सकते हैं
कि बासुंदी आपकी क्रीमी तभी बनेगी जब आप फुल फैट का दूध इस्तेमाल करेंगे। तो इसे अब हम दूध को मीडियम हीट पर गैस पर रखेंगे। इसे हमें एक उबाल आने तक पकाना है, यानी कि एक उबाल आने तक उसे हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाए, आप फ्लेम को धीमी कर दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला टिप कि अगर आप बीच-बीच में चलाएंगे नहीं, तो दूध जो है वो नीचे चिपक जाएगा और आपकी जो बासुंदी है उसमें एक जले हुए या बर्न्ड का आफ्टर टेस्ट आ जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे बीच-बीच में चलाते रहें और आप बिल्कुल भी रश ना करें, आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें दूध को रिड्यूस करने की, क्योंकि अगर आपने फ्लेम इंक्रीज की तो दूध जो है वो नीचे चिपक जाएगा। सो इसे आपको धीमी आंच पर ही पकाते रहना है, इसे स्टर करते रहना है और इस तरीके से आप उसके साइड्स जो है वो स्क्रेप करते रहें और दोबारा से उसे दूध में डालते रहें। ये पूरी प्रोसेस को, यानी कि दूध को रिड्यूस होने में मुझे लगा है कम से कम 50 to 55 मिनट्स। सो आप पेशेंस से अच्छे से बासुंदी बना सकते हैं बाहर जैसी। और एक रिच और क्रीमी और कैरमलाइज्ड टेस्ट के लिए आप चीनी के बदले इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस समय इसमें चीनी ही डाल रही। सो आप देख सकते हैं कि करीबन 50 से 55 मिनट हो गए हैं और दूध की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट आधी हो गई है। उसके बाद ही हमें इसमें चीनी डालनी है। इस समय मैं इसमें ले रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने के बाद आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीनी डालने के बाद हम उसे पकाएंगे 5 से 6 मिनटों के लिए। अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर चीनी बिल्कुल भी ना डालें और इसी समय दूध को जो है वो फ्लेम से हटा लें। उस केस में आप सीताफल के पल्प का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। सो आप शुगर फ्री बासुंदी भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि सीताफल में ऑलरेडी उसकी एक नेचुरल स्वीटनेस होती है। सो अब मैंने इस बर्तन को फ्लेम से हटा लिया है। सो आप टेक्सचर देख सकते हैं, दूध की क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। और इसे हम एक दूसरे बोल में निकाल कर एकदम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही उसमें हम सीताफल का पल्प डालेंगे, क्योंकि अगर दूध गर्म हुआ और आपने उसमें सीताफल का पल्प डाल दिया तो दूध जो है वो फट सकता है। सो मैंने इसे इसमें ट्रांसफर कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बर्तन में बिल्कुल भी दूध हमारा नीचे चिपका नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे से उसे घी से ग्रीस किया था। दूध एकदम ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप सीताफल का पल्प। मैंने 500 ग्राम सीताफल में से पल्प निकाला हुआ है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसमें फ्लेवर देना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस स्टेज पर उसमें वेनिला एसेंस डाल दें। अब हमारी सीताफल बासुंदी बनकर रेडी है और आप उसे सर्व कीजिए चिल्ड, यानी कि एकदम ठंडा, और उसे गार्निश कीजिए स्लाइस्ड बादाम और पिस्ता के साथ।